हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल भारी पेट्स में। और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है स्पेशली एक ऐसे डॉग के ऊपर जिनके पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे आपने पपीज़ देखे होंगे या एडल्ट में भी काफ़ी सारे डॉग्स देखे होंगे जिनके पैर जो है ये आगे के पैर है तो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं या पीछे के पैर भी फैल जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये क्यों होता है उसके बारे में मैं पूरा का पूरा ये वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके पहले कि मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, आप एक छोटा सा वीडियो जो है वो क्लिप देखें। अभी जो आपने वीडियो देखा जिसके साथ में मैं खेल भी रहा था आखिर में, तो ये दो क्लिप्स आपने अभी देखे हुए हैं। ये दोनों क्लिप में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो डॉग है ये है लैब्राडोर रिट्रीवर, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन है। लेकिन इसके अगर पैर देखते हैं तो आगे के जो पैर है ये एक तरह से बाहर की तरफ बेंड हो चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये क्यों होता है और क्या है उसका रीज़न, वो मैं आपको अच्छे से अभी आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले कई सारे रीजंस होते हैं पैर टेढ़े होने के, जिसमें सबसे पहला और प्राइम फैक्टर होता है वो है अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट उसे कम देते हैं तो। यानी कैल्शियम जो है ये अगर उसके फीड में या डाइट में नहीं है या कम है तो भी ये होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा कोई भी अगर आप पपी स्टेज में भी ले रहे हैं या सेमी एडल्ट या एडल्ट एज में, उसको कैल्शियम का सप्लीमेंट एक्स्ट्रा में, जैसे कैनीटोन हो गया वेयरबैक कंपनी का या फिर बोनटैब है, तो ऐसे कई सारे आपको कैल्शियम सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। सेकंड रीज़न जो होता है जिसके वजह से काफ़ी कॉमनली पैर टेढ़े होते हैं वो है उनको प्लेन फर्श पे रखना। एक्चुअली होता क्या है, जब प्लेन फर्श पे रखते हैं कोई भी स्मूथ सरफेस अगर होगी तो उनके पैर जो है स्लिप होते हैं और स्लिप होने से बाहर की तरफ ज़्यादातर के निकल जाते हैं। तो या फिर कई बार ऐसे भी हो जाता है कि एक जगह पर बैठ के भी काफ़ी अंदर भी आ जाता है। तो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कभी भी उनका जो सरफेस है नीचे बैठने का वो प्लेन नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर ये हमेशा रफ सरफेस ही होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड जो पॉइंट है उसकी तरफ। थर्ड पॉइंट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ठंड के सीज़न में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग पपीज़ को जो है बॉडी इंसुलेशन नहीं देते। बॉडी इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, नीचे बैठने के लिए डायरेक्ट फर्श पे अगर बिठाएंगे या ज़मीन पे अगर बिठाएंगे तो फिर उनकी बॉडी जो है ये अपनी जो बॉडी की हीट है वो पूरी की पूरी ज़मीन में ट्रांसफ़र करती है और जिसके वजह से जॉइंट्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्रास्टिजन करके एक बीमारी है वो हो जाती है, जिसके वजह से भी पैर जो है ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ फोल्ड होना या बेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इनकेस ऐसे टाइप का अगर बीमारी होती है तो उसके लिए भी कई सारी मेडिसिंस वगैरह है, क्या कंडीशन है, किस स्टेज में आपका पपी या एडल्ट जो डॉग है वो है, वो देखने के बाद में उसका डिसीजन लेता है। तो आप सबसे पहले अगर आपके पास में जो वेटरनरी सर्जन होगा या फिर वेटरनरी डॉक्टर होगा तो आप उनसे डायरेक्टली मिल सकते हैं और उनसे कंसल्ट करके एक अच्छे जो ट्रीटमेंट है वो लेके आराम से कोई भी जो पपी है वो नॉर्मली चलना स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि पैर बेंड हो गए यानी उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई, वो किसी भी एज में कवर होने के चांसेस होते हैं, एक्सेप्ट एकदम सीनियर एज यानी जब उनका बुढ़ापा शुरू होता है तो उसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी के लिए तकलीफ होती है, लेकिन उसके भी मेडिसिंस अवेलेबल हैं। तो आज के बस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।